एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस कंपनी की शेयर प्राइस 11.56 रुपये है और आज के दिन ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट यहाँ देखने को मिला। पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 32% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 महीनों में 53% के रिटर्न, 6 महीनों में 61% के रिटर्न, 1 साल में 189% के रिटर्न, 5 सालों में 1260% के रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 1260% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। यानी कंटिन्यूस इस कंपनी के शेयर में अप ट्रेंड और तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ बात करें कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे ERW और SAW पाइप्स में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 164 करोड़ का है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, यानी मात्र 15.5% की होल्डिंग है। डेब्ट की बात करें तो 215 करोड़ का डेब्ट है, उसमें से 0.20% के शेयर्स प्लेस हैं। यहाँ पे बात करें कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है काफ़ी टाइम से लॉस में देखने को मिल रही थी, अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ है, बट कभी जो लॉस है वो काफ़ी रिकवर होते हुए देखने को मिला। 120 करोड़ से मात्र 1 करोड़ का लॉस रह चुका है। इस वजह से इस कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बात करें रिजर्व्स की, जो कि अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है, और साथ ही कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग जो कि 15% है, बाकी 84% के शेयर्स अभी भी पब्लिक के पास है। अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो तो ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा वीक फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है वो है पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इस वजह से कंटिन्यूस अपर सर्किट देखने को मिला है। इससे पहले आप यहाँ देख सकते हो 15 रुपये का शेयर होने के बाद कंटिन्यूस यहाँ लोअर सर्किट भी देखने को मिला था। तो ऐसे कंपनी के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटीज़ होती है, अगर आप स्टॉक में एंटर करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।